नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शब्बो साउंड पर। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट में लिखा था कि कैबिनेट कलर या कोटिंग जो भी आप कहते हो उसके बारे में एक वीडियो क्या आप देखना चाहेंगे, तो काफ़ी दोस्तों ने यस कहा था और काफ़ी दोस्तों ने ये भी कहा था कि वो वीडियो जल्दी कीजिए। तो फाइनली आज हम वो वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। उसका टेस्टिंग अप्लाई कैसे करते हैं सब कुछ हम देखेंगे, प्राइस भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को इनेबल, ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, जब भी हम कैबिनेट कोटिंग या कलर की बात करते हैं तो शुरुआती कुछ दिन ऐसे थे कि इंटरनेशनल ब्रांड्स सिर्फ ये कलर बनाते थे और वो काफी महंगे आते थे, और उसमें भी जो भी डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो काफ़ी कम थे और बड़ी मुश्किल से कैबिनेट कोटिंग, जो हमें टेक्सचर पेंट होता है कैबिनेट के लिए, वो काफ़ी मुश्किल से मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भारत में भी काफ़ी लोग कलर मैन्युफैक्चरर करने लगे और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के कलर कुछ मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं, और उनमें से ही एक पॉपुलर नाम है एडियो गुरुज का, और उन्हीं के कलर की बात हम आज करने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है और उनका खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है और खुद ही मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि कलर किसी और ने बनाया होता है और मार्केटिंग करने वाली कंपनी कोई और होती है, लेकिन इस कलर के बारे में ऐसा नहीं है। खुद मैन्युफैक्चरिंग करने वाले और मार्केटिंग करने वाले एडियो गुरुज ही है। दोस्तों, इससे पहले भी कुछ एक दो वीडियो में जब भी कैबिनेट की बात आई है तो मैंने एडियो गुरुज का नाम लिया है। अगर आप पहले के मेरी वीडियो देखे हो तो हमारे देश में एक टॉप क्वालिटी के कैबिनेट बनाने वाले में से एक है एडियो गुरुज, और उन्हीं का मैन्युफैक्चर्ड ये कलर है। दोस्तों, स्पीकर कैबिनेट में लगने वाले इस कलर की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। नए कैबिनेट बनाने की बात ही छोड़ दो, लेकिन जो भी हमारे पास यूज कैबिनेट है, पहले से हम जिसे उपयोग में ला रहे हैं, उनको भी अगर हम रिन्यू करना चाहते हैं, गुड लुकिंग बनाना चाहते हैं और भी नए जैसे, तो भी हमें कलर की जरूरत पड़ती है। और ऐसे वक्त में हमें कलर चाहिए रोलर ग्रेड, क्योंकि हमारे पास तो मशीन नहीं होगा। इसके लिए अच्छा एयर कंप्रेसर का मशीन चाहिए, अच्छा गन चाहिए महंगा वाला, तो ये सारी बातें तो हमारे पास होती नहीं है। तो हमें चाहिए रोलर ग्रेड कलर, जो हम सीधे एक रोलर खरीद के उससे दे सके। साथ ही दूसरी बात, ये कलर जो है वाटर बेस्ड कलर है, तो इसमें कोई और खर्चा नहीं है। तो चलिए हम एक्चुअल प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये दो पैकिंग है, ये है टफ टेक्स इको और यहां पर सिर्फ टफ टेक्स लिखा है। अब इसमें क्या अंतर है ये मैं पहले आपको बता देता हूं। ये टफ टेक्स सुपर क्वालिटी पेंट है, इसके मुकाबले में भारत में शायद ही कोई पेंट होगा। और ये जो दूसरा है टफ टेक्स इको, ये इको से इकोनॉमिकल समझ लीजिए आप, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राइस में कम है। और जिन लोगों को एक बजट फ्रेंडली कलर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी भी हो और बजट भी अच्छा हो, उसका दाम कम लगे, इस तरह से ये पेंट है टफ टेक्स इको। और इनमें से आप कोई भी कलर खरीद ले, ये आपको आपके शहर में मिलेगा, क्योंकि आप जब भी ऑडियो गुरुज को कॉन्टैक्ट करके, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप कॉन्टैक्ट करके उनको पेमेंट करने के बाद ये कलर सीधा आपके शहर में आपको भेज दिया जाएगा। जब आप ये कलर खरीदेंगे तो उनके साथ आपको कोई भी, आप ये खरीदे या ये खरीदे, इको या सुपर टफ टेक्स, दोनों के साथ आपको ये टेक्सचर रोलर मिलेगा 4 इंच में, काफ़ी बढ़िया रोलर है, ये रोलर भी आपको उसके साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आप बता देता हूँ प्राइस इसकी। प्राइस बताने से पहले बता दूँ कि ये सुपर क्वालिटी होने की वजह से ये थोड़ा सा महंगा है। ये 4 किलो की पैकिंग है और ये 3,500 में आपको मिलेगा, उसके साथ ये रोलर भी मिलेगा और आपको कोई भी चार्जेस कुरियर वगैरह के एक्स्ट्रा देने नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से रोलर के और कुरियर के पैसे ही 500 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए, ये कलर आपको उस हिसाब से अगर हम सोचें तो ये भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं जा रहा है। अब करते हैं टफ टेक्स इको की बात। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली कलर है, ये आपको 5 किलो मिलेगा 2800 रुपये में, और उसके साथ भी कुरियर चार्जेस आपको नहीं देने होंगे और ये रोलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप सोचिए कि ये भी आपको
काफी सस्ते में मिल रहा है और इसकी भी क्वालिटी पर आप कोई भी शक करने की गुंजाइश नहीं है, बहुत ही बढ़िया कलर है। और जो भी हम आज यूज करके मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो यही दिखाऊंगा टपटेक्स इको, ताकि आपके दिल में कोई भी बात न रहे कि यार इसकी क्वालिटी कैसे है। बजट फ्रेंडली तो है लेकिन क्वालिटी के बारे में कोई भी बात आपके दिल में ना रहे, इसलिए मैं यही कलर आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो आप देखिए इस तरह से दोनों पैकिंग वगैरह काफी अच्छे प्लास्टिक के पैकिंग है। पकड़ने के लिए इसमें एक हैंडल भी दिया हुआ है दोनों पैकिंग में, और काफी सेफ तरीके से आपके शहर में ये पहुंच जाएगा तो आप निश्चिंत रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक प्लाई का टुकड़ा लिया है हमने इस कलर को चेक करने के लिए। इसे कलर लगाकर सुखाकर हम पानी में डालकर रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये पानी की बाल्टी भी मैंने भर के रखी है। कलर 2 घंटे सूखने के बाद हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर एक कंटेनर, आप कंटेनर हमेशा इस टाइप का जरा बड़ा लीजिए, ये हमेशा कलर के लिए यूज किया हुआ है ताकि इसमें जब भी आप रोलर डालें तो आसानी से डल जाए। और एक ही बार आपको पूरा पेंट इस कंटेनर में नहीं लेना है, जितनी ज़रूरत हो उतना थोड़ा थोड़ा ले लीजिए ताकि बाद में इसमें सूख जाने का डर होता है, कलर हार्ड हो जाने का बहुत जल्दी। तो ऐसा एक और एक ब्रश आपको चाहिए, ये भी यूज किया हुआ ब्रश है, आप देख सकते हो पहले भी कलर के लिए। और इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि ये टपटेक्स बहुत बढ़िया क्वालिटी का कलर है। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है कैबिनेट से। अब कैबिनेट पर आप बोलोगे कलर की शुरुआत कैबिनेट से क्या, तो यहां पर हमें चाहिए प्लेन, ये स्मूथ होना चाहिए सरफेस। जब भी कैबिनेट के सरफेस पर हम पेंट करने जा रहे हैं, ये तो मैं उठा कर लिया हूं यहां से एक टुकड़ा टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब भी आप कैबिनेट पर कलर करें तो ये सरफेस उसका स्मूथ होना चाहिए। और जहां पर भी आपके जॉइंट वगैरह है वहां पर आप यमसिल लगा लीजिए। यमसिल लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसे थोड़ा पतला बना के, जिस तरह से हम पुट्टी फील करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें कॉर्नर पर सभी साइड्स पर यमसिल लगा लेना है और उसे सैंडिंग कर लेनी है, यमसिल को भी और कैबिनेट को भी। बाकी सैंडिंग पेपर से हम उसे स्मूथ बनाना है घिस घिस के, उससे हमें क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग मिलेगा और कलर भी हमारा बच जाएगा, उसमें हमें ज़्यादा कलर नहीं लगेगा। अब करते हैं दूसरी बात की हम शुरुआत कैसे करें। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कैबिनेट रेडी है, ये प्लाई हम इसे कैबिनेट रेडी कैबिनेट मान लेते हैं कलर देने के लिए, और ये टुकड़ा मैंने इसलिए लिया है कि हम इसे पानी में भी डुबो सके बाद में। तो हमें एक बेस कोट करना है सबसे पहले एक, और उसके बाद में फाइनल कोट करना है। तो जब हम बेस कोट करेंगे तो उस वक्त हमें कलर के साथ पानी मिलाना है। अब आप सबका बेसिक सवाल यह होगा कि पानी कितना मिलाना है। पानी इतना मिलाना है कि जब हम उस कलर को कैबिनेट पर अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई भी बुलबुला ना छूटे और कोई भी जगह ना छूटे, मतलब वो सीधा लग सके। सीधा लगने जितना ही पतला बनाना है, ज्यादा पतला बनाना नहीं है, सीधा लग सके मतलब उसमें कहीं भी गैप ना छूटे जब हम प्लाई पर लगाए। इससे क्या होता है कि जो वाटरप्रूफिंग वाला जो इस कलर का फीचर है, इसकी जो खासियत है वो पूरा पूरा काम करती है 100%, ताकि उसमें कहीं भी बुलबुला नहीं छूटेगा तो कहीं भी प्लाई ऐसा नहीं रहेगा जो खुला हो बिना कलर के। इसलिए हमें पानी मिला लेना है, और दोबारा बता रहा हूं कि उतना ही पानी मिलाना है कि प्लाई पर बुलबुला ना छूटे और सीधा एक साथ लग सके। तो हमने यहां पर ये जैसे कि मैंने बोला था टपटेक्स इको ये पेंट मैं लगा रहा हूं, ये मैंने खोल लिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा इस तरह से मैं ब्रश से ही ले रहा हूं यहां पर ले लेते हैं। ये मैं उदाहरण के लिए बना रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा पेंट ले रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो प्लाई का टुकड़ा है वो भी बहुत ही छोटा है। अब मैं पानी ले रहा हूं उसमें मिलाने के लिए। अब देखिए ये कलर इतना गाढ़ा है और यहां पर मैंने जो बेस कोट के लिए बनाया है ये इतना पतला है, आप समझ रहे होंगे
या फिर मैं इसे तिरछा करके दिखा देता हूँ, ये इतना पतला है। इस तरीके से आप घोल बना लीजिए पानी मिला के। अब देखिए हमें इस तरह से कलर लगा लेना है, उसमें कई भी बुलबुले नहीं छूटने चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बेस्कुट हमारा बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है। देखिए बेस्कुट तैयार है। अब यहाँ पर ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ जगहों पर आपको डॉट्स नजर आएंगे, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं ये घुमाकर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बेस्कुट हमारा क्लियरली बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। अब हम इसे मिनिमम 10 मिनट सूखने देंगे। 10 मिनट हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड कोट मारेंगे रोलर से, वो हमारा आखिरी कोट होगा। देखिए इसकी फिनिशिंग, और जब भी हम इस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं तो जो प्रोफेशनल और पुराने ब्रांड से उनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऑडियो गुरु उसका नाम काफ़ी पुराना है कैबिनेट में और कैबिनेट कोटिंग में। तो यहाँ पर पेंट हल्का सूख गया है, और जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये होल मैंने एमसील से जो बंद करने चाहिए ये मैंने नहीं किए है, क्योंकि ये कोई एक्चुअल कैबिनेट नहीं है और इसको सैंड भी ठीक से किया हुआ नहीं है, फिर भी हमें एक प्रॉपर फिनिशिंग यहाँ पर मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पर जो फाइनल कोट है सेकंड और फाइनल, वो इस रोलर से देंगे। और यहाँ मैं आपको ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये टपटेक्स इको ये खोल के रखा है, और ये यहाँ पर मैं इसमें डुब के ले रहा हूँ। अब हम इस पर इसे फाइनल कोट करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे ये किस तरह से कलर यहाँ पर लग रहा है, काफ़ी बढ़िया फिनिश इसका मिल रहा है। और ये देखिए क्या बढ़िया फिनिशिंग मिला है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। अब दोबारा मैं इसे सूखने के लिए छोड़ रहा हूं, और लगभग 2 घंटे सूखने के बाद इसे हम पानी में डाल देंगे। और एक्चुअली कलर जो ये हार्ड बनता है लगभग 2-3 दिन में ये पूरी तरह से 100% हार्ड बन जाता है। तो उसके बाद पर आप चाहे इस पर सिक्का भी घिसो, सिक्का भी घिस जाता है। उसका मैं वीडियो डाल दूंगा स्टोरी में, अपडेट डाल दूंगा उसका, इस वीडियो में तो वो नहीं संभव है, लेकिन इसका वाटरप्रूफिंग का टेस्ट हम ज़रूर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से ये फिनिशिंग हमें मिला है, देखिए ज़बरदस्त टेक्सचर। तो चलिए अब इसे सूखने देते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं आया हूँ ये सूखने के बाद, लगभग 2 घंटे के बाद इसे हम देख रहे हैं, और टेक्सचर देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया और एक सरी का टेक्सचर इसमें हमें मिला है। अब ये शूट मैं मोबाइल कैमरे से कर रहा हूँ तो यहाँ पर परफेक्ट फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी देखने वाले ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं तो वो समझ जाएंगे कि ये पेंट कितना बढ़िया से लगा हुआ है। यहाँ पर अब मैं करीब ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए देखिए ये लगभग एक जैसा है। अब मोबाइल कैमरे से जितना हो सकता है मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया टेक्सचर मिला है, काफ़ी बढ़िया, बिल्कुल दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। और अब हम इसे पानी में डुबो के रखेंगे। तो इसे सुखाने के बाद अब मैंने आपको पहले जो बाल्टी दिखाई है यहाँ पर रखी हुई है हमने,
इस बाल्टी में इस प्लाईवुड के पीस को हम डाल देते हैं ताकि इस कलर का जो वाटरप्रूफिंग वाला फीचर है उसके बारे में हम जान सके। इस बढ़िया टेक्सचर के बारे में कोई संदेह रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर मिला है। अब इसे हम उठा के पानी में डाल देते हैं। चलिए डूब जा भाई। इस पे कुछ वजन रखना पड़ेगा तब जाके, फिर भी कुछ एक डेढ़ इंच पीस पानी के बाहर रह रहा है। तो इस तरह से हमने इस फ्लाई के टुकड़े को पानी में दबा के रख दिया है। देखिए थोड़ा सा कुछ एक डेढ़ इंच बाहर है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर से पानी से बाहर निकालने के बाद। दोस्तों नमस्ते, दोबारा 2 घंटे बाद लगभग हम वापस इस फ्लाई को पानी से बाहर निकालने वाले हैं। एक बात तो साफ है कि पानी में ज़रा भी कलर मिला नहीं है, इसका मतलब कलर वाटरप्रूफ है, इसी वजह से पानी में बिल्कुल मिला नहीं। पानी बिल्कुल साफ है, बाल्टी का तला आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये पानी आप गिरते हुए देख सकते हो इस कार्डबोर्ड पर, बिल्कुल प्योर वाटर है, ज़रा भी उसमें कलर नहीं जा रहा है। देखिए 2 घंटे बाद पानी में रहने के बावजूद भी, 2 घंटे तक। अब इसे नीचे रखता हूँ। और दोस्तों ये टुकड़ा मैं पूरा बाल्टी में डुबा दूंगा, इस ख्याल से ही मैंने लिया था छोटा सा टुकड़ा, फिर भी वो बाल्टी में नहीं समा सका। तो जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है और पूर्वजों ने कहा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर जितना प्लाई का साइड बाहर रह गया था 1 इंच, वो और जो अंदर गया था वो आप देख सकेंगे कलर में टेक्सचर में कोई फर्क नहीं है। ये गीला है सिर्फ, इतनी ही बात है बाहर का, मतलब ये टेस्ट का और एक पैरामीटर बन गया कि कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक गीला है एक सूखा हुआ है, कलर में कोई फर्क नहीं। और यहाँ ये कलर भी जो गीला था वो भी सूख रहा है। यहाँ करीब एक जेसीबी मशीन काम कर रहा था, काफ़ी आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने बीच में 10 मिनट वीडियो स्टॉप किया था। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ज़रूर इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए। साथ ही मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हमने बनाया है ये कलर आपको 2800 रुपये में 5 किलो मिल रहा है रोलर के साथ, और आपके एरिया में आपके शहर में आपके लगभग घर तक। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक कलर दिखाया है जिसका रेट 3500 रुपये है 4 किलो का, सेम इसी तरह, मतलब उसमें भी आपको रोलर और आपके शहर में डिलीवरी दी जाती है उतने ही पैसों में। लेकिन इस कलर से जिसका हमने यहाँ डेमो बनाया है इससे वो ज़रूर थोड़ा सा महंगा है। लेकिन क्या आप उसका भी टेस्ट देखना चाहते हैं, उसे भी टेक्सचर उसका कैसा मिलता है, उस कलर का रिजल्ट कैसा रहता है, ये अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप वो भी वीडियो देखना चाहते हो। दोस्तों अगर आप कैबिनेट बना रहे हो या आपके कैबिनेट में अगर इतना बढ़िया कलर लगता है तो इसके और फायदे हैं आपको, कैबिनेट की लाइफ के लिए तो है ही, वाटरप्रूफिंग के लिए तो है ही। लेकिन अगर किसी वजह से आपको जितना बढ़िया चाहिए उतना बढ़िया प्लाईवुड नहीं भी मिला है तो ऐसा कलर आपकी उस कमी को फील कर देगा। ये इतना बढ़िया है कि आपके प्लाई की मजबूती को भी बढ़ा देता है और उसमें उसका लाइफ उसे भी बढ़ा देता है, वाटरप्रूफिंग भी हो जाती है और ऊपर से दिखने में बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर के साथ ये बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।